ये वाला जो हुडी मैंने पहना हुआ है अभी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इससे पहले मैंने मिंत्रा में चेक किया तो सेम हुडी मुझे देखने को मिला, लेकिन वो रोडस्टर कंपनी का था और ये हमने जो प्राइस की अभी हमने परचेज किया वो ट्रिपर कंपनी का, लेकिन प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंस देखने को मिला। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया हुआ था। मैं रोडस्टर कंपनी की ही प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस करता हूँ और उसे सजेस्ट करता हूँ कि वो परचेस करें, लेकिन इस बार मैं बोलूँगा कि आप रोडस्टर का परचेस ना करके ये जो फ्लिपकार्ट में अभी उपलब्ध है ट्रिपर करके वो परचेस करें, क्योंकि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंस देखने को मिला। इसलिए मैंने ये वाला फ्लिपकार्ट से परचेस कर लिया, मुझे 200 रुपये अंतर देखने को मिला। फ्लिपकार्ट में यदि आप परचेस करने जाते हैं तो आपको 350 रुपये के करीब मिलेगा, लेकिन मिंत्रा पे अगर यदि आप परचेस करने जाते हैं तो 550 रुपये में ये आपको हुडी देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं मैंने ये वाला हुडी क्यों परचेस किया, मतलब इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर यदि बाइक चलाते हैं तो उसके लिए सही रहता है। इस तरीके से आपको ये वाला जो पूरा फुल स्लीव देखने को मिलेगा, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। और यहाँ पीछे की तरफ हुडी में जैसे कि कैप रहता है तो ये कैप है, और यहाँ पर आपको कोई पॉकेट देखने को नहीं मिलेगा सामने की तरफ। और यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है इस हुडी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एक फेस कवर देखने को मिलेगा, मास्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आजकल कोरोना के नाम से। तो इसकी भी जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आप काफ़ी टाइम तक पहने रहेंगे तो आपको लगेगा दर्द कर रहा है। यदि मास्क पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको कान पेन करने लगता है, तो ये सही चीज़ है, आप इसे पहन कर रख सकते हैं, काफ़ी देर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने परचेस किया हुआ था एल साइज में, एल साइज हो गया जो एस स्मॉल साइज़ था, एस साइज वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। यदि हम इसको पहनते हैं इस तरीके से जो हाथ है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जा रहा था, इसलिए मैंने एल साइज़ परचेस किया, जिससे ये थोड़ा लंबा होना चाहिए। और मैंने इस तरीके से जैकेट पहनने के लिए अंदर में मतलब ऊपर में जैकेट पहनने के लिए इसे परचेस किया हुआ था, जिसे पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो आप देख लेना आपको किसमें परचेस करना है, 200 रुपये एक्स्ट्रा देके रोडस्टर का परचेस करना है या ये ट्रिपर कंपनी का परचेस करना है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रिपर कंपनी के परचेस करें फ्लिपकार्ट से। रोडस्टर के भी सही है, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा, 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है थोड़ी इम्प्रूव है इससे। लेकिन मैंने ये परचेज़ किया क्योंकि अपने को क्या इसको अंदर में पहनना है, तो उतना ज़्यादा तो उसमें क्वालिटी में उतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा देखने से। बाकी सही है प्रोडक्ट, आप परचेस कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ पैकेज में आया था ये फ्लिपकार्ट का, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इसकी जो साइज़ है इसकी प्राइस है, एल साइज लिखा हुआ है, डार्क ग्रीन कलर का है ये। यहाँ पर जो चेस्ट की जो लंबाई है 101 सेंटीमीटर है, और इसका जो लेंथ है 70 सेंटीमीटर है। बस नॉर्मल से इस तरह से पैक करके दिया हुआ था। ये ट्रिगर का जो लोबो मैं दिखा देता हूँ, इस जैकेट के पीछे की तरफ दिया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं पीछे की तरफ यहाँ पर ट्रिपर की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पर एल साइज लिखा हुआ है, इसका वेबसाइट भी लिखा हुआ है www.tripperindia.com। लुक है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आप 200 रुपये बचाओ और ये वाला परचेस करो। यदि आप 200 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो आप रोडस्टर की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन रोडस्टर के कपड़े जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। मैंने काफ़ी सारे सजेस्ट भी किए हैं कि आप रोडस्टर का ही परचेस करें, लेकिन 200 रुपये बचा के आप ये वाला परचेस कर लो, ये मुझे सही लगा इसलिए मैंने ये वाला परचेस किया है। आपके पास यदि ये वाला प्रोडक्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल भी आप पहन कर इस तरीके से घूम सकते हैं।